लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि इसे जीने का एक संकल्प है। जब हम अपने स्वार्थ से उठकर लोक कल्याण का सेतु बनते हैं तो यही हमारे जीवन का वास्तविक धर्म हो जाता है। भीष्ण रावण के संहार की कथा, जो विजयादशमी का कारण है, हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें सबके लिए काम करना है। यह पर्व हमें यह समझाता है कि श्री राम का मार्ग केवल एक भौतिक मार्ग नहीं अपितु एक मानसिक चिंतन का सकारात्मक मार्ग भी है। श्री राम के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने अंतर्मन की उन राक्षसी वृत्तियों को नियंत्रित करना जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बनाती हैं। विजयादशमी पर जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत अथवा हिंदुओं का ही नहीं बल्कि वैश्विक समृद्धि और शांति समता के प्रयासों का पर्व भी है। जब हम दूसरे लोगों के अस्तित्व को महत्व देते हैं तब हम समाज में एक सच्चा बदलाव लाते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धी विचार से ऊपर उठ जाते हैं तब हम अपने वातावरण को पवित्र बना लेते हैं। उपनिषदों का मूल भाव भी यही है, अपनी ही श्रेष्ठता को साबित करने के प्रयास हमेशा दुखद होते हैं। हम सबको पंथ, जाति या क्षेत्र की दीवारों को तोड़कर एकजुट होने की आवश्यकता इस समय सबसे अधिक है। विजयादशमी का पर्व हमें बुरी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने और सामूहिक रूप से संघर्ष करने का संदेश देता है। ये पर्व हमारे मन एवं समाज में व्याप्त राक्षसी वृत्तियों पर विजय हासिल करने का एक पर्व है। ऐसा करने के लिए जब हम सामूहिक संकल्प लेते हैं तो हम अपने भीतर की बुराइयों को पराजित कर सकारात्मकता की विजय के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इस अवसर पर हमें अपने आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्प लेना होगा। सनातन परंपराओं को लेकर इम्पोर्टेड विचारधाराएं अजीबोगरीब भ्रांतियां फैला रही हैं। इससे हटकर हमें अपने विचारों को सकारात्मकता समरसता के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि भारत से ही वैश्विक शांति के संदेश प्रसारित हों। यही समय है जब हमें अपने निस्वार्थ प्रेम और एकीकरण की शक्ति को फिर से जागृत करना है। भगवान श्री राम का अस्तित्व काल्पनिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। भगवान राम राजाधिराज श्री राम थे जिन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना का हर संभव प्रयास किया। उनकी रावण पर विजय एक गहरा संदेश है हमारे लिए। गिरीश बिल्लोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल की टीम की ओर से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम इस पर्व पर अपने भीतर के सकारात्मक शक्तियों को पहचानें और उन्हें संजोते हुए समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करें। यही हमारी सच्ची विजय होगी।